अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो सुबह का दिन आगाज़ हो चुका है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। लगता है सूरज तो हमारे साथ नाराज़ ही हो गया। वो तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से जान छुड़वा के वो भी चले गया। तो आज दूसरा भाई का फंक्शन है, यानी कि उनकी बर्थडे है मेरे भाई की। तो बर्थडे हो और फिर भाभी ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्हीं को वो दूसरा हम लेने के लिए जा रहे हैं। वो कह रही थी कि खाना वगैरह कुकिंग सारा कुछ मैंने करना है। हमने तो सोचा था होटल में, लेकिन वो कह रही नहीं, मैंने ना खुद खाना बनाना है, तो मैंने खुद सारा कुछ ना रेडी करना है घर में। तो अब उसे लेने के लिए जा रहे हैं। तो सूरज नहीं है, सूरज वाकई पाकिस्तान सा, ये भी मेरे ख्याल में इसको भी मनाना पड़ेगा। लेकिन जितनी सर्दी है ना, हद हुई पड़ी है। तो फिर वापसी पर आपको फंक्शन भी दिखाते हैं, तो बाकी थोड़ी सी बातें हैं वो भी शेयर करते हैं। तो फिर वीडियो हमारी स्टार्ट हो गई है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट। देखिएगा इतनी सर्दी है कि आखिरकार अभी बहावलपुर को 11 किलोमीटर रह गया। तो मैं अभी दूसरा ये क्या बोलते हैं इसको, बाहर निकली हूँ। मैंने कहा थोड़ी सी मेरे ख्याल में गाड़ी का मसला बन गया था, और मैंने कहा बाहर निकल के थोड़ी सी और सर्दी को इंजॉय किया। सूरज नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जो है सर्दी वो नहीं दिखा रहे। तो इस बात में दिलबर भाई को बोलूँगी, दिलबर भाई मिस यू, ताकि आप भी अक्सर यहीं पर रोक के वीडियो बनाते थे। मैंने वैसे कॉपी तो नहीं खैर की, लेकिन आज इतना फंक्शन था और आप हमारे साथ नहीं है, इस बात की हमें बहुत ज़्यादा कमी फील होगी। तो लेकिन ये है कि आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, हमें वीडियो कॉल में होगा। तो लेकिन वहाँ पर भी जाना आपकी मजबूरी थी। ये खुर्शीद साहब, इसने तो वाकई कोई ना अच्छी वाली फेशियल करवा ली है, जो वाइट वाइट ही हो गया, रिजल्ट ही नहीं आया इसका। में हम पहुंच गए हैं। अच्छा नदीम साहब, ये बताया आप लोगों ने ये क्यों बोला कि बहावलपुर के लोग यानी कि मुनाफिक होते हैं? देखो जी, ये तो हकीकत है कि इन्होंने अपना गुलाम फरीद साहब जो वली थे, बहुत बड़े वली थे, उनको नहीं बख्शा, उन्होंने जड़ा इन्होंने सताया वे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग च पूरी हिस्ट्री बयान करांगे। तो वह बेचारा पिटदा इस दुनिया तो चला गया, क्यों? पर ये लोगों ने उन्हें मुनाफकत नहीं छड़ी, तो ऐसा जलीलो खुआर किया उन्होंने। तो उन्होंने हिस्ट्री इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग च तुहानू दसांगे, तो उन्होंने नाल इन्होंने की किया जे। हाँ जी, इन्होंने बहावलपुर वालों को, उन्होंने अपना ये किया वा कि रोई मुनाफक, जानी कि ये जी इनू रोई बोलिया जाता वे। तो ये जी धरती है मुनाफक की धरती है, इस गल च शक भी कोई नहीं। चले जी, नदीम साहब तो बड़े गर्म हुए पड़े हैं। तो इससे बेहतर यही है कि हम ना इनकी ज़बानी ना फ्री टाइम बैठ के सुनेंगे, ठीक है? बाकी आज हमने फंक्शन अटेंड करना, आप अपनी वीडियो में ही बता दीजिएगा, ठीक है? अपने जरूर जरूर इंशाल्लाह हम वेट करेंगे। बताना है फिर ये मुनाफकत क्यों हुई? क्यों नहीं बताना? चले जी, ओके हो गया। भावलपुर की मेन शॉप है, फूलों वाली शॉप बोलते हैं इसमें। ये बहुत ज़बरदस्त फूल बना के देते हैं। तो जैसे आप लोग इनको वो देना क्या बोलते हैं बुकिंग दें, ये वो वैसे ही तैयार करके देते हैं। अगर आप जैसी पिक दिखाएंगे, ज़्यादा भूख लगी थी तो फिर हमने यहीं से नाश्ता किया। तो नाश्ता बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का था। लेकिन मुझे चाय नहीं मैंने पी, ताकि चाय मुझे सिर्फ अपने घर में अपने हाथ की, अपने नहीं अपने हस्बैंड के हाथ की चाय मुझे अच्छी लगती है। तो चाय नहीं मैंने पी, चाय अब घर जाके पीऊँगी मैं। तो ये हमने यहीं से नाश्ता किया, चाय घर जाके पियेंगे। बाकी बात हो रही थी जो वो जो घटिया औरत थी उसको हड्डी डाल दी है मैं नहीं, वो खुद अपना गुनाह कबूल करेगी। उसको पता चल गया कि मैंने कौन सी हरकतें की हैं। तो लेकिन उसको हड्डी हमने डाल चुके हैं। तो अब दूसरा बड़ी तेरी ना गंदी हालत करने, सब ने ना कसम से औरत के नाम पर तो कुत्ती निकली है, तू है ही कुत्ती है, मैं तुझे यही बोलूँगी। तो तुझे ना तेरी हकीकत सबके सामने अब आ गई है, तू बड़ी शर्मिंदा है। अब देखना वीडियो बनेगी ना तो खुद बोलेगी कि मैंने ये बकवास किया है, ये घटिया औरत इंशाल्लाह। तो मैंने नाम लेना, मैंने इसकी ज़बान से, इसकी वजह से आज दिन तक सारी सजाएं भुगत रहे हैं ना इस कुत्ती को। अब देखना कैसे दूसरा ना, आप लोगों ने इसको अच्छे से इसका अभी मुँह तोड़ जवाब देना, बगैरत औरत को। जी भाई के लिए फ्लावर लिए हैं, फ्लावरों जैसे मेरा भाई है माशाल्लाह से, इतना ही प्यारा मेरा भाई है जितने प्यारे फ्लावर हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से। हाय सनिया, कैसी हो?
नाराज तो नहीं मुझसे? क्यों? सुबह मैंने तुझे समझाया, मैं कोई बात अच्छी बात समझाई है ना, सब ठीक, खुश हो? हाँ, शुक्र है। और कुछ कहना चाहोगी? कुछ नहीं, आज बस नवीद भाई की बर्थडे है तो उसके बाद 4 दिन बाद श्राद्ध की, उसके बाद दे रही है। पहले से नहीं बताते तो बस अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी दे, खुशियां दे, मैं यही दुआ करूंगी। बाहर बहुत ठंड है। दिलवर भाई से बोले ना हमारे वीडियो कॉल पे आए, अब वो लाइव आ गए। लाइव आ गए? हाँ, वो लाइव आए हैं। चले, लाइव वालों आज मैंने तो बड़ी लाइव वालों की है। बस जो ऐसे लोग हैं उनको आप इग्नोर कर दें, तो इन लोगों को हम क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दें? यार पूरी दुनिया ये 4-5 चमची है, चार पांच चमची है, ये दूसरा भोंकती है, इसके अलावा कोई नहीं भोंकता, सिर्फ 4-5 चमचियां भोंकती है। मैं कहती हूँ कि खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके ऊपर लोग बातें करते हैं। खुशकिस्मत जब कुत्ते भोंकने लग जाओ समझो कामयाबी हो गई। जब आप अकेले हो तब लोग आपको ज्यादा मतलब करते हैं, आप सच्चे हो तो बस। संगीत तुम्हारा हेयर कलर बड़ा प्यारा यार, वही वाला किया ना? हाँ वही। देखिए नहीं अभी व्हाइट बाल आ गए। नहीं नहीं फिर भी बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ, ये है 5.5 मैंने दिखाया है। अच्छा हाँ, मैं अब परसों करूंगी। मेरा भी मूड नहीं है करने का, मैं परसों या तरसों करूंगी, लेकिन माशाल्लाह से कलर बहुत प्यारा, मैंने भी यही कलर करना है। ठीक है सनिया, चमची हाथ क्यों पकड़ा? क्यों पकड़ा? मेरे हाथ बर्फ जैसे थे, इसके गर्म थे। हाँ, मेरी बेटी पे जुली। तो जी चमची गिरियों को तो मैंने ठोक दिया। बस दफा करें आप। ठीक है चलाओ फंक्शन अटेंड करें। हम अपना ये मैं फूल लेकर आई हूं मेरे लिए। मेरे लिए एक फूल सबकी तरफ बट रहा है। फूल मुझे बहुत पसंद है। ये आयशा लेके आई है अपने हस्बैंड के लिए। हाँ, हम सब ने एक वीडियो काम चला लिया। जी हमारा केक, तो माशाल्लाह से केक, एक केक हमने कट कर लिया, वो दोस्तों ने एक ये हनु बेटा आपको भी मिलेगा, इधर आ जाओ। ये हमारे प्यारे भाई तलहा जो नवीद के लिए केक लेके आए, बहुत प्यारा बहुत जबरदस्त केक है। तो बर्थडे का हमें व्लॉग सारा बना रही है, लेकिन गिफ्ट हमने उधार किया हुआ है, वो फिर देंगे आप। खाने खिला दिया भाई, इतना पसंद है उसने कहा बस ठीक है। नहीं ये पैसे पर ये जी जैसे हमारे लिए नवीद है वैसे हमारे लिए तलहा भाई है। तो ये नवीद का क्या बोलते हैं जिगरी यार, बेस्ट फ्रेंड ऐसे ही है ना, निक्कर फ्रेंड इन्हें निक्कर फ्रेंड बोलते हैं जी। माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको ऐसे ही सलामत रखे, लेकिन उसको अब केक खाने में बिजी है, उसके पैसे लगे हुए हैं ऐसे ही ना। नहीं वो किसी की नहीं सुनता, केक खाएगा, खाने पीने के टाइम कोई कंप्रोमाइज नहीं, पैसे लगे हैं